हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी के गोलगप्पे। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिल्कुल फ्री है। अब मैंने लिया है 1 कप सूजी, ठीक है। ये महीन सूजी है बिल्कुल, अगर आपकी महीन ना हो तो उसे एक बार पीस लीजिएगा। 1 कप मेरा 250 ml के बराबर है। ये मैंने 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला, उसको अच्छे से मिला लिया और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक मुलायम सा डो तैयार करके उसको आधा घंटे के लिए ढककर, मतलब ऊपर से गीला पानी का कपड़ा लगा दीजिएगा ढककर, फिर रखकर उसके बाद मैंने इसको बेलना स्टार्ट किया। 1-2 मिनट आप उसको नीट कर सकते हो जैसे मैंने नीट किया था, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 2-3 मिनट नीट करिए, वो ऑलरेडी मुलायम होता है, ठीक है। अब कट कर लिया मैंने इसमें, और अब ये तो मेरा पहला वे हुआ कि आप इस तरीके से कट कर कर लगा, मतलब कट कर कर किसी भी कटर से कट कर लो और उसके बाद फिर फ्राई कर लो, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप या तो आप ऐसे कट करके भी लगा सकते हो या फिर दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊँगी उस तरीके से भी बना सकते हो। किसी भी तरीके से बनाइए, एकदम फुली फुली गोलगप्पे आपके तैयार होंगे, जैसे मेरे फूल रहे हैं सेम वैसे ही, ठीक है। तो जब ये पूरे ब्राउन ब्राउन हो जाए तब इन्हें बाहर निकाल लीजिए, ज़्यादा जलाइएगा मत, हल्के से बस ब्राउन हो जाए। देखिए दूसरा तरीका, छोटी सी लोई बनाई है मैंने हर चीज़ की, मतलब छोटी छोटी लोई बना ली, निकाल ली उसमें से। अच्छा, जब आपका जो आप जैसे लोइयाँ निकालोगे तो जो आपका जो बड़ी वाली लोई होगी उसको भी गीले कपड़े में ढककर ही रखिएगा, पानी होना चाहिए उस गीले कपड़े में, ठीक है, हल्का हल्का सा पानी, तो उसमें ढककर रख दीजिएगा। अब ये मैंने जो छोटी छोटी लोई निकाली उनको बेल लिया लंबा लंबा और फिर दोबारा से इसमें डाल दी, ठीक है। ये हो गए 2 तरीके, आप चाहो तो कटर से भी कट कर लो या फिर आप छोटी छोटी लोई लेकर लंबा लंबा बेल लो, क्योंकि जो सूजी के गोलगप्पे होते हैं वो तो लंबे लंबे से ही अच्छे लगते हैं, थोड़े बड़े बड़े हो लंबे से तभी मज़ा आता है। एकदम क्रिस्पी बनाइएगा, मतलब थोड़े कुरकुरे से, बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने में, ठीक है। देखिए मैं दूसरी लोई को भी बना के दिखाती हूँ, छोटी सी लोई, आप जितना बड़ा लेना चाहो उतना बड़ा ले सकते हो, ज़्यादा पतला नहीं ज़्यादा मोटा नहीं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा पतली हो जाएगी बिल्कुल नहीं फूलेगी, ज़्यादा मोटी हो जाएगी तब भी नहीं फूलेगी, ठीक है, तो पापड़ी बन जाएगी वो, इसलिए ज़्यादा मोटा नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं। अब जब ये हो जाए तो उसको निकाल लीजिए। अब मैं इसकी आपको आवाज़ सुनाऊंगी कितने ही क्रिस्पी बने हैं ये, देखिए कितने क्रिस्पी हैं। तो ऐसे आप भी बना सकते हो, बहुत इजी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।